अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। सबसे पहले मैं चाय पी लूँ। आप कप का देख ही रहे, मिस्टर एंड मिसीज आज अब बैठे हुए हैं और चाय पी रहे हैं, साथ बाका खानी ले रहे हैं। तो चाय पी के ना, तो मेरे कारपेट पे कुछ गिर गया था, तो चाय पीते पीते गिरा है, तो मुझे चाय थोड़ी सी मैंने जल्दी पी ली कि मुझे पता नहीं क्यों होता है कि जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो वो टेपिश पे कुछ गिरा, तो मैंने कहा चलो मैं मशीनें लगा लेती हूँ नॉर्मल। मैंने कल सफाइयाँ की थी, तो कारपेट पे अगर कुछ गिर जाए ना, तो फिर वो हाथ को उठा भी लेना तो बंदा मुतमिन नहीं होता। मैं तो खैर नहीं होती, तो मैं चाय पी और भजी भजी उतर गई। ये मशीन लेके जो सबसे मुश्किल काम लगता है, बच्चा कोई हत्थे चढ़े या नहीं, तो मैं उनको आवाज़ देती हूँ मशीन नीचे ले आना, तो आज मुझे सारा करना पड़ा। तो जब मैं मशीन लगाती हूँ ना, तभी मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, जिसकी वजह से ना मैं सफाई करते करते हर दफ़ा गुस्सा होती हूँ कि ये पता नहीं कब उठाना है। मैं उठाती हूँ तो फिर अगले दिन कसम उठूँ ना, फिर ये चार्जर लगे होते हैं। इनकी इतनी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक, और ये जो नुक्कड़ है ना, ये मेरी भरी रहती है, जो मुझे सफाई करते करते ना काफ़ी होता भी कि इन्होंने इधर ही रहना, क्या करना गुस्सा करके, पर फिर गुस्सा आ जाता है। तो आज ना सफाई वगैरह करके मैं ऊपर आपको लेके जाती हूँ। आज मैं पूछ सारे पीले कुर्ते तन बहा देने, एक मैं जुत्ती ले आती सी, तो फिर ये डिमांड आई, ये डिमांड है कि मैं अपने कुर्ते दिखाएं। तो मैं अभी आपको ना ऊपर लेके जाती हूँ और सारी कलेक्शन आपको दिखाती हूँ। आगा नूर का दिखाऊंगी कुर्ता, मीडियम साइज मेरा कुर्ते का है। ये ना देखेंगे क्या साइज दिखा रही है आपी। तो आपको पता है कुर्ते जो ना खुले खुले अच्छे लगते हैं। तो ये जो है ना, ये मेरा आगा नूर का पिछले साल का मैंने लिया था, और मुझे ये था। आज जो है ना, मैं आपको जितनी मेरे पास येलो कलेक्शन है ना कुर्ते की, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पिछले दिनों में मैं एक वो चप्पल लेके आई थी ना डाइशमेंट से, तो मुझे इतने मैसेज आ रहे थे कि आपने बोला था कि आपके पास बड़े पीले कुर्ते हैं तो हमें दिखाएं। मैं कह चलो जी बहा देने, कड़ी इन्नी औखी गल है, सही है। तो एक मेरे पास ये वाला कुर्ता है, ये खाड़ी नेट का बना है, और गले पे भी कढ़ाई है और बाजू पे भी, ठीक है। और ये छोटे छोटे बीड्स लगे हैं। चले तो ये जो स्टफ़ है ना खाड़ी नेट, ये फैंसी लुक में ही आ जाता है। अगर गर्मी में आपके पास कोई ऐसे छोटा मोटा फंक्शन आ रहा है तो आप आराम से पहन सकते हैं, ये देखें। और ये जो है ना, इसको ये एम्ब्रॉयडरी है, लेस तो नहीं है। एक मेरे पास ये कुर्ता है। आज मैं ना, मेरे पास और भी हैं, लेकिन मैं थोड़े से कम दिखाऊंगी क्योंकि पीले पीले हो जानी मेरी ब्लॉग। चलें अब सेकंड पे आ जाते हैं। ये वाला जो है ना, मुझे नहीं पता नहीं क्यों मुझे आज का ये किसका है, ये अलकरम का है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये लेस लगी है, ये क्या है, बटन है अंदर, पाइपिंग की हुई है, और ऐसे ही बाजू पे है। तो इसका प्रिंट मुझे इतना अच्छा लगता है ना, ये कलर कंट्रास्ट येलो और वो ब्लैक, और ऐसे ही इसकी घेरे पे भी है। क्या ये लेस है, ये क्या है, पता नहीं क्या है, जो भी बरल मुझे अच्छा लगा है, ठीक है। ये हो गया। थर्ड पे आते हैं। थर्ड जो है ना, वो मेरे पास ये भी अलकरम का है, लेकिन ये है लार्ज में, और इसको भी मैंने साइज कम करवाना है लार्ज में, मुझे लगता है क्योंकि इतना खुला है। हाँ देखा, लार्ज में। तो मैं क्या करती हूँ, अगर आपके पास सेल में मिल रहे हैं ना सस्ते, तो आप लार्ज में भी ले सकते हैं, बाद में इसको थोड़ा इसकी फिटिंग शिटिंग कर लें, अगर आपको आती है तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो कुछ दे के तो टेलर से करवा लें। अच्छा ये जो इसकी, ये मुझे कलर इतना अच्छा लगा था ना, पीला है ना, पता नहीं कौन मिक्स कलर है ना, बड़ा प्यारा प्यारा, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये कलर कंट्रास्ट है वाइट में और पर्पल में पूरे ऐसे। और ये इसके बाजू में, बाजू बड़े प्यारे हैं, लेस है जो आजकल चल भी रही है, ट्राउजर में भी आती है, बाजू में भी, इसको क्या कहते हैं, सीढ़ी लेस तो और होती है ना, ये भी जो मिडल में लगती है, मुझे तो अब लेसों का नाम भी भूल गया है। चले ये मेरा थर्ड वाला कुर्ता है, और अभी और तीन है तो वो भी दिखाती हूँ। तो आज जो है ना, मैं पीला पीला अपना ब्लॉग कर देना है, साथ में आपको अपनी चप्पलें भी दिखाऊंगी जितनी मेरे पास येलो कलेक्शन है, चप्पलों की, सैंडल्स की और कुर्तों की, ठीक है। चले इसको मैं अभी इधर क्लोज करती हूँ और मैं वापस दूसरे लगाती हूँ। ये मेरा फोर्थ वाला कुर्ता है, जे डॉट का है, ये भी देख लें। ये बिल्कुल सिंपल, जैसे गर्मी होती है ना, तो ऐसे कुर्ते इतने मज़े के लगते हैं आपके पास अगर हों, कोई कढ़ाई ना हो, कुछ ना लगा हो, कोई लेस ना लगी हो, तो ये भी आपके पास होने बड़े ज़रूरी हैं।
इसके बाजू बड़े स्टाइलिश से हैं, जैसे ये वाले फ्रिल टाइप, क्या कहते हैं इसको, जो भी अम्ब्रेला ये वाले। इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा, सिर्फ ये छोटे छोटे बीड्स हैं और इतने क्यूट लगते हैं ये वाले। ये देखें गला इसका बड़ा ज़बरदस्त बना है, अंदर पाइपिंग की हुई है और नीचे ना, तो आप गला देख लें, खुद से भी आप ऐसे गला बनवा सकते हैं। ये देखें बैन है, छोटा बैन लगाया है और साथ ही ये गले का काट दिया है, जो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। अच्छा जी, ये वाला जो सिंपल सा, ये सना सफीना के, सना सफीना कहते हैं, सना सफीना कहते हैं, सना सावीना कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, चलें जैसे भी हैं आप ये नाम पढ़ लें। मीडियम साइज़ है और ये देखिए अभी तक इसकी ना आप निकाले हैं, मुझे इतनी हो रही थी गर्मी आए और मैं ये कुर्ते पहनूं, और आपने ये पहनूंगी, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ फिर मैं पहनूंगी। तो ये भी प्रिंट कुर्ता है, कोई इसका कढ़ाई कुछ नहीं है और इसका गला बड़ा प्यारा बना है, पाइपिंग की है, छोटा सा बैन है बैक में और आगे भी आया हुआ। और ये वाला इसका गले ना, अगर आप बनाए ना सादा सा सूट लेके तो बड़ा अच्छा बनेगा। ये प्रिंट में है येलो और ऑफ वाइट, जबरदस्त कंट्रास्ट। चले ये भी इसका दरमियान में लगाया हुआ इन्होंने। अच्छा जी, ये मैं पिछले दिन में पहन के गई थी फ्रैंकफर्ट में, ये भी जे डॉट का है और बड़ा प्यारा बना था, पहन के भी इतना मज़ा आया ना। ये इसकी आगे लटकें, बस ये मुझे थोड़ी सी तंग पड़ती है, और ये इसकी कढ़ाई वगैरह हुई है और बाजू इसके बड़े स्टाइलिश हैं। ये देखें ऐसे इसकी स्टिचिंग आई हुई है बाजू पे ना, बैक पे और सामने, और यहाँ पे पेटी लगा के इन्होंने थोड़ी थोड़ी चुनर डाली है और घेर डाला है खुला सा। ये देखिए इतना प्यारा लग रहा है। ये कलर जो है ना, पता नहीं क्यों मुझे आजकल इतना अच्छा लगता है, मैंने इतने कुर्ते शुर्ते इसके इकट्ठे करके रख लिए हैं ना, तो मुझे लगता है मैं एक लाना है दूजा पाना है, तो घर वाले ने यही कह रहा है कपड़े नहीं बदले तू, तो मैं अपना नवा कुर्ता पा के आना है, लेकिन मैनू लगता है यही सुनने को मिलना है। सही है, कुर्ते आपने देख लिए, तो अभी मैं आपको चप्पल दिखाती हूँ जो भी मेरे पास हैं। एक मैं चप्पल उखाई सी तो इन्नी फरमायश आ गई, इन्ना मैनू काम करना पे है कुर्तियां दा। चले कोई नहीं, सही है, अभी मैं वापस अब आती हूँ चप्पल पे। मुझे ये था कि मैं ना हैंग करके एक दफ़ा लास्ट इसका लुक दिखा दूँ, कि इकट्ठे दिखाऊँ ना, पहले मैंने तीन तीन करके दिखाए थे, तो ज़रा इकट्ठे ज़रा और अच्छे लगेंगे। इतनी मेहनत की है, इस्त्री की है, मेरी मेहनत नज़र आनी चाहिए ना। और मैंने कहाँ लटकाए हैं ये नहीं मैं बताऊँगी, खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कितनी मेहनत करके मैंने सारे अपने कुर्ते दिखाए हैं। चलें जी, ये वाली कलेक्शन थी मेरे पास, जो मैं कह चुकी थी वीडियो में कि मेरे पास कुर्ते हैं येलो और मैं चप्पल ली थी, और उस चप्पल की सजा अब मैं दिखाती हूँ, वाकई अब मैं दिखाती हूँ चप्पलें सैंडल्स जो मेरे पास हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ ये वाली, मेरा ना 40 नंबर है, 10 ही कहते हैं ना 40 को। ठीक है, ये बड़ी प्यारी फॉर्म में डाल के लगती है, डालूंगी नहीं मैं वैसे दिखा दूंगी, लेकिन पहन के बड़ी प्यारी लगती है। आय हाय एक लो जो मैडम चलें जी, सही। ठीक है, ये वाली फर्स्ट वाली है, और सेकेंड आप इधर हो जाओ और आप आ जाओ सामने। ये जो है ना, ये इतनी प्यारी लगती है गर्मियों के जो स्टफ में अगर पहने ना, लॉन के सूट के साथ और पाँव ऐसे अंदर जाली नुमा ये वाले स्टफ़ में जाते, इतने प्यारे लगती है ये जूती। ये लाइट कच्चा बीला जिसे कहते हैं ना, कच्चा बीला कलर, वो वाला है। चले दूसरी हो गई, अब बाजी जी आप हो जाए साइड पे। ये वाली चप्पल ली थी मैंने, ये जो मैं लेके आई थी ना आपको दिखाई थी, ये वाली मैं लेके आई थी, दिखाई नहीं थी वैसे, मैंने मार्केट में बताया था कि ये मैं लेके गई हूँ, लेकिन मैंने आपको दिखाई नहीं थी, सीधी करके दिखा देती। बड़ी प्यारी है, सॉफ्ट सी अंदर, देखिए सॉफ्ट है अंदर बिल्कुल। अच्छा ये जो है ना, ये तीनों हो गई गर्मियों वाली, और खुस्सा मेरा एक पास है, आपको मैंने ईद के व्लॉग में दिखाया था खुस्सा। खुस्सा जो है ना, ये इधर मिलता नहीं है पाकिस्तान से, मुझे लाना पड़ता है, तो कभी एक बार मंगवा भी लेती हूँ, तो मुझे बड़े पसंद है वैसे, हर कलर में चाहिए, मुझे तीन चार कलर में मंगवा चुकी हूँ, तो अब ये है।
ये जो है ना देखने में ऐसे लगती है, लेकिन जब इसको पहने तो बड़ी प्यारी लगती है। अगर वाइट आपके पास ट्राउज़र हो कैप्री और ऊपर आपने कुर्ता पहना हो पीला तो पीली जुत्ती, वाह जी वाह। और एक ये है, ये भी खुशानुमा है, ये मैंने काफ़ी पुराना है मेरे पास, पुराना के मतलब इधर से ये कंपनी का ये क्या है, लेकिन ये बड़ा अच्छा लगे है। ये ना थोड़ा सा क्या है, इसको क्या कहते हैं पता नहीं क्या है, लेकिन मैंने खुशा समझ के ले लिया था इस मार्केट में, क्योंकि ऐसी चीज़ें कम मिलती हैं ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने ले लो। काफ़ी पहना भी है, ज़रा भी नहीं चुभता है, नॉर्मल सख्स है लेकिन चुभता नहीं है। ये तीन जो है ना ये मेरे पास थी, बंद वाली दो तीन, और अब ये हो गई गर्मी वाली, मिक्स है। मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा कि जो मैंने आपको आज अपनी चीज़ें शेयर की हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस साइड पे आऊँगी ना। अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों को वो ईद पे पहनने हैं या मैंने शादी पे पहनने वो दिखाती हूँ, तो ये जो कुर्ते मेरे पास थे वो दिखाए हैं। तो बाकी जब थोड़ा सा मुझे टाइम मिले फिर मैं इंशाल्लाह ताला लौट के जो बाकी मेरे पास आए हैं ना पार्सल में वो भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। चलो जी ए मैनू दो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, आप अपना और अपनी फैमिली का भी ख़ास ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल वापस दोबारा आऊँगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।